तो एक उसके कॉटलेज का बहुत सख्त मसला है फिर उसका गलत ऑपरेशन करा दिया गया हाँ। फिर उसको रिहेबिलेशन गलत करा दी अब जब वो भाई पचास पैंतीस तीस में जाता है जब इस पर लोड आता है और अन इंटेंशनली जब आप थकते हो और जोर लगाते हो कोई ना कोई आपका एसीएल ये वो मिनिस्टर स्टेयर जो भी होता है वो आपका जाता ही जाता है या फॉरन आपका लूज बॉडीज है वो आपकी कॉटेज टूट टूट के पड़ता है तो आपको फ्रिक्शन आते खड़क होता है आपको बस हो गया अनफॉर्चुनेटली वो कह रहे जी किसका दिल नहीं करता कि मैं पाकिस्तान के लिए सो वन डे एक गो में क्यों ना खेलू hmm. राशि भाई आपका दिल नहीं करता मेरा hmm. नहीं करता सबका करता था ना तो कौन छोड़ना चाहता है ये जेनुअन प्रॉब्लम है हारिस सोहेल के साथ जेनुअन प्रॉब्लम और मैंने खुद उसका नीक एग्जामिन किया दुबई में जिम ट्रेनिंग के दौरान तो मैंने कहा एक्चुअली मैं खुद एक से कोर क्या मसला क्या उसकी एक्चुअली जो हैमस्ट्रिंग लगा हुआ पीछे hmm. वो भी छोटा लगा हुआ है ठीक वो उसको खींचता है या पुल करता है तो उसे टेनाइटिस खींचते हैं उसका क्वार्टर है वो इतना मजबूत नहीं है अगेन ये हारिस के डिफेंस में था अगेन क्या वो रि एसीबिलेशन कर रहा है क्या उसने वो चीज सीखी क्या उसने नमान न्यास को फोन किया क्या वो डॉक्टर अपने जाफर।, जाफर को फोन किया क्या पूछा कि यार मैं अपने आप को बेहतर कैसे करूं यार अब इस ये क्रिटिसिज्म आ सकता है बोर्ड पे रख दे अपने आप पर रख दे छह सात साल क्या हो रहा है तेरे तुमने तो सही प्रोफेशनल एडवाइस दी जिसकी वजह से तू तो बेहतर हो रहा है बेहतर नहीं हो पा रहा ठीक अच्छा अब आ जाए अगेन जो आप सेल्फिश सेल्फिश की बातें कर रहे हैं वो किस हद हाँ तक ठीक है तो डॉट पहले बता दे कितनी कौन